एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू श्रीजी हॉलीडे। सो गाइस, मेरा नाम मीनल पटेल है और आज मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी एक वन डे पिकनिक स्पॉट है जो कि वडोदरा से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ के जो ऑनर है, मिस्टर हिमांशु सर। सर, मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरे व्यूवर्स को हाई बोलिए। नमस्ते। और आपकी जो जगह है, जो रिसोर्ट है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे व्यूवर्स को। श्योर। स्टैच ऑफ यूनिटी के बहुत नज़दीक ये जगह है और जहाँ पर आप वहाँ पर देखेंगे उत्तर वाहिनी नर्मदा, जहाँ से शुरू होती है पवित्र उत्तर वाहिनी नर्मदा, उसी के एकदम तट पर ये जगह है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अराउंड स्टैच ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व के सबसे बड़े नंदी जी की स्थापना हुई है। ये विश्व के सबसे बड़े नंदी जी हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आनंद ले सकते हैं और ये बड़ा ही अद्भुत अनुभव रहने वाला है आपके लिए। तो जब भी आप स्टैच ऑफ यूनिटी का प्लान करते हैं तो आप यहाँ पे डे पिकनिक के लिए भी आ सकते हो, या तो फिर अगर आपको नाइट स्टे लेना है तो यहाँ पे कॉटेजेस भी अवेलेबल हैं, जो कि सर हमको पूरा ब्रीफ में देंगे, पूरा मैं टूर करवाने वाली हूँ। हमारे पास कितने कॉटेजेस हैं और कितने टाइम है, वो व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, फिलहाल 3 प्रीमियम कॉटेजेस हैं रिवर व्यू प्राइवेट गार्डन के साथ। okay. और 3 टेंट्स हैं और 10 कॉटेजेस और बन रहे हैं एकदम रिवर पे। ओके, 10 अभी कंस्ट्रक्शन में। ओके, सो गाइस, तो आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं, राइट? सो गाइस, तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ लोकेशन का दे दूं कि यहाँ पे आपका पार्किंग रहेगा। जैसे ही आप अंदर आते हो तो यहाँ पे आपके कॉटेजेस हैं, अगर आपने नाइट स्टे लिया है तो आप यहाँ पे रहते हो। और फिर आपको देखिए बहुत ही अच्छा नर्मदा रिवर का व्यू मिलने वाला है। अंदर एंटर होते ही आपको, तो गाइस आइए मैं आपको व्यू बता दूं, प्लीज कम इन। तो देखिए आपको व्यू मिलेगा नर्मदा नदी का, जैसे ही आप यहाँ से उठोगे तो आपको ऑसम व्यू मिलने वाला है, रियली नाइस। सो गाइस, तो कॉटेज में देखिए आपको फैसिलिटी में क्या मिलेगा, मिनी फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टॉवेल्स रखे हुए हैं, टी कॉफी मेकर है, फिर यहाँ पे यस वॉशरूम यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे बाथरूम है देखिए, और देखिए यहाँ पे कोट शेयरिंग हो सकता है, मीन्स आप 4 पर्सन आराम से अकोमोडेट हो सकते हो। डबल शेयरिंग भी चाहिए तो डबल शेयरिंग भी आपको मिल जाएगा, बट कोट शेयरिंग आराम से हो सकती है क्योंकि 2 डबल बेड है आप जैसे देख रहे हो, और एसी है देख लीजिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो व्यू है, आपको बहुत ही अच्छा ऑसम व्यू मिलने वाला है। साथ प्राइवेट गार्डन है, आपके पर्सनल बैठने की जगह है रिवर व्यू। ओके, ठीक है। और वैसे बाहर अंदर से भी बहुत ही अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है। फिर झूला है यहाँ पर, जब आप शाम को बैठेंगे नदी के किनारे। सो गाइस, एज्यूम कीजिए यहाँ पे झूला है, शांति से आप बैठे हो और सामने ही रिवर है। दर्पण, आप प्लीज पूरा व्यू बताइए। मैं एक चीज बताती हूँ, आइए यहाँ पे देखिए, छोटी नंदी जी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे छोटी नंदी जी है। हाँ। ये छोटे नंदी जी जो हमने बनाए, पहले मॉडल नंदी जी बनाए कि कैसे बड़े वाले बनेंगे, एंड देन वो विश्व के सबसे बड़े नंदी जी। ओ, विश्व के सबसे बड़े नंदी जी। तो चलिए अभी सर हम नीचे जाते हैं, नीचे चल के मैं पूरा एक्सप्लोर करवाती हूँ जगह को। रिजुनेट करना है, फुल ऑक्सीजन चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना है, तो ये बेहतरीन जगह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया में। वैसे भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू जहाँ पे है और बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप वहाँ से आ सकते हो जैसे कि अभी हम आए हैं। और एक दूसरा रास्ता यहाँ से है, यहाँ से अगर आपको आना है तो भी आप आ सकते हो। और यहाँ पे देखिए आपको टेंट मिलेंगे, सिटिंग टेबल्स है और टेंट्स भी है। अगर आपका ग्रुप है तो आप टेंट्स में भी अगर रुकना चाहते हैं तो टेंट में भी रुक सकते हो। आइए मैं बताती हूँ कि किस टाइप के टेंट है, टेबल चेयर सभी कुछ रखा हुआ है। और सर हम ब्रेकफास्ट डिनर सभी कुछ पैकेज में इंक्लूड करके देते हैं। ओके, सभी कुछ इंक्लूड रहता है, सारे आपके पास। ओके, या तो फिर उनको आला कार्ड से भी लेना है तो आला कार्ड से भी दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ऐसे 4 लोगों तक का इसमें बहुत लग्जरियस स्टे हो सकता है एकदम प्रकृति के बीच में। ओके, और ये इस टेंट में जो भी रहेंगे फैमिली या ग्रुप, 8 जन के साथ
चार बेड है, तो बीच में अगर हम टेबल हटा देंगे तो बीच में भी हो जाएगा, राइट। नॉर्मली ग्रुप्स आते हैं वो 8 लोग इसमें रहते अच्छा। हैं, है ना। तो ग्रुप स्टे इकोनॉमिक पर भी पड़ता है, थोड़ा चीपर पड़ता है, है ना, पड़ता है। और ये उस ग्रुप का प्राइवेट गार्डन जैसा है, तो इस ग्रुप को अगर यहाँ बैठना है, ब्रेकफास्ट यहाँ मंगाना है, लंच यहाँ मंगाना है, कैंप फायर यहाँ करना है, तो इसका ये प्राइवेट कैंप फायर भी करके देते हैं, कैंप फायर होता है बिल्कुल। ओके सो गाइस, यार पूरा प्रकृति के बीच में रहना है तो बेस्ट ऑप्शन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, तो देखिए इस टाइप के फैमिली टेंट्स हैं, यहाँ पे 2-3 पर्सन भी रह सकते हैं ना सर। तीन जन या छोटे बच्चे हैं, दो और फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, दो बच्चे, तो आराम से आप सेट हो सकते हो। और यहाँ से आप व्यू देखिए खाली, ओ वाव। और ये उसका प्राइवेट गार्डन है, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ग्रास लाइक ऐसा लगेगा कि हम गार्डन में ही हैं, यहाँ पे सिटिंग है, और यहाँ पे उनका खुद का प्राइवेट टेबल रहेगा, टेबल एंड चेयर, तो आप यहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हो। सो गाइस, तो अभी यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वहां पे चलते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़े नंदी जी हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। तो देखिए आप एजम्पशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाती हूँ, हाइट पता चलेगा इससे एक्चुअली। तो फाइनली देखिए यहाँ से आप देखिए मेरी हाइट और नंदी जी की हाइट में कितना डिफरेंस है, और सबसे बड़े जो टॉलेस्ट स्टेचू है स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास में ही, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है। सो गाइस, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो मस्ट विजिट करिए। सो गाइस, तो अभी हम चलते हैं नीचे, और देखिए यहाँ पे नीचे भी टूरिस्ट है, उनसे थोड़ा रिव्यू भी पूछते हैं कि यहाँ पे कैसा रहेगा। और दर्पण धीरे धीरे चलती क्योंकि yes. आजा। हाय मैम। तो मैम मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे व्यूवर्स को आप थोड़ा फीडबैक देंगी कि आप यहाँ पे डे पिकनिक के लिए आई हो, नाइट स्टे? नहीं, मैं यहाँ पे नाइट स्टे के लिए आई हूँ, बट 2 दिन के स्टे के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड सुबह का एटमॉस्फेयर यहाँ पे ऑसम होता है, ब्यूटीफुल, एंड इवनिंग का नज़रिया भी बहुत खूबसूरत होता है। जो नज़रिया हम देखने के लिए हमें हरिद्वार वगैरह दूर जाना पड़ता है ऋषिकेश के लिए, वो यहीं पे हमें सुकून मिलता है, और इतना पीसफुल प्लेस है, यू विल एंजॉय, डेफिनेटली एंजॉय जो भी यहाँ पे आएगा, इट्स वर्थ मनी। ओके थैंक यू, वेलकम। यहाँ पे नर्मदा जी का व्यू देखिए, आइए। कर सकते हो, बोटिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, और अगर आप पैकेज लेते हो तो पैकेज में इंक्लूड ही रहता है बोटिंग फैसिलिटी। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शांत प्राकृतिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, जहाँ पर आप फैमिली रीयूनियन करना है, फैमिली गेट टुगेदर करना है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, रिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर होने वाली है, 2 रिंग सेरेमनी फरवरी में होने वाली है, मैरिजेस कर सकते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स भी यहाँ पे प्लान हो सर। अभी मेरे व्यूवर्स को आप बताइए कि यहाँ पे किस टाइप के पैकेजेस रहते हैं, आपने जैसे मेरे को बताया डे पिकनिक तो है, बिल्कुल, नाइट स्टे में कैसे रहता है? ओके सो आप चाहें तो यहाँ पर विद मील भी पैकेजेस ले सकते हैं, और चाहें तो विदाउट मील भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग स्टेचू घूमने आते हैं तो दिन में वहाँ होते हैं, तो ऐसे जगह ऐसे सिचुएशन में ब्रेकफास्ट का पैकेज लीजिए, स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर, ओके ठीक है। और अगर पूरा दिन यहीं रहना है तो ब्रेकफास्ट, लंच है, डिनर है, हाई टी है, किसी भी तरह के पैकेजेस दे सकते हैं आप। इसके पैकेजेस आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, कैसा लगा ये प्लेस आपको वो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, एंड आपने मेरे व्यूवर्स को बहुत ही अच्छी एक प्लेस दी है कि जहाँ पे आप वन डे पिकनिक से लेके नाइट स्टे सभी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विश्व के सबसे बड़े नंदी जी जहाँ पर स्थापित है सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रहने की व्यवस्था एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट में, वहाँ पर आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा वादा है आपसे कि अद्भुत अनुभव रहेगा, यादगार अनुभव रहेगा। स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। Give it all. Anyway you say, anyway.